जाहिर है उनका बंदोबस्त करना। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, अगर आप इजाजत हैं तो उनको लेता हूँ। शिराज महमूद कुरैशी साहब मानसरा से। जी शिराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जनाब, हुक्म कीजिए। जावेद साहब, मेरी मुख्तसर सी गुजारिश है कि जिसको न कभी चोट लगी वो दर्द किसी का क्या जाने, खुद शमा को भी मालूम नहीं क्यों जल जाते हैं परवाने। कौम कराची से लेकर फाटा से लेकर पूरे पाकिस्तान में अपनी मौत की कुर्बानी दे रही है, रोजाना सैकड़ों लोग मर रहे हैं, लेकिन मैं दावे से कहता हूं इस वक्त कुर्बानी देने का वक्त है कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, एमएनएस, एमपीए, सेनेटर, जागीरदार ये कुर्बानी दें जिन्होंने 63 ईयर से इस मुल्क को लूटा है, खाया है। कौम अपनी मौत की कुर्बानी दे रही है, ये अपने वसाइल की कुर्बानी दें और साथी की इतवाद प्रेजिडेंट हाउस से शुरू करके डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक खत्म करें ताकि कौम को पता चल सके कि हमारी क्यादत हमारे दुखों में शरीक है। और दूसरी मेरी इसके साथ रिलेटेड एक सवाल है कि अंग्रेज के बने हुए पुल और सड़कें आज तक सलामत हैं, क्या बात है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमारे गैर मायारी मंसूबे बनते हैं और उस पर करोड़ रुपए हर साल जाए होते। जी शराज साहब, बहुत मेहरबानी। ऐसे कुंडी साहब, दो चीजें, एक तो ये है कि ये हर आदमी का ये सवाल है, वो ये कहता है कि जो रूलिंग एलीट है हमारी, जो सियासतदान है, जो तनख्वाहें लेते हैं, जो अमरात लेते हैं, जिनके ऊपर अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, जब मुसीबत की घड़ी आती है तो वो भी दूसरों से अपील करते हैं, अपनी जेब से कुछ नहीं निकालते ये, ताकि वो उनके साथ तो खड़े हों कम अज कम। दूसरा ये जो कहा जाता है कि जितने भी डेवलपमेंट वर्क होते हैं हमारे डेवलपमेंट के, वो सारे छोटा सा बारिश आ जाती है, सैलाब आ जाता है, वो सबसे पहले वो डैमेज हो जाते हैं और इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में नहीं होती कि ये पुल क्यों टूट गया। ठीक, मेरे ख्याल में इनकी बात बिल्कुल सही, अपनी जगह वो बिल्कुल हक बजाने पे हैं कि डीसी से लेकर और प्रेसिडेंट हाउस तक हमें सादगी अपनानी चाहिए और हमें जो है, लेकिन मैं एक चीज यहां पे एक आपको दुरुस्त करूंगा, मेरे कोलीग्स भी यहां पे बैठे हुए हैं कि इल्जाम हमेशा लगता है कि एमएनएज अपनी आयशें छोड़ दें। आप मुझे बताएं कि एमएनए की कितनी तनख्वाह होती है? लोगों का ये ख्याल हो कि 10-15 लाख रुपये तनख्वाह लेते हैं या 20 लाख तनख्वाह लेते होंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि एमएनएस को कुर्बानी देनी चाहिए, अपनी तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए। आप कहते हैं नेशनल असेंबली का सेशन सही है कुंडी साहब, लेकिन आम आदमी, क्या अगर गरीब आदमी इस मुल्क में एमएनए बन सकता है? जी, कोई गरीब आदमी इस मुल्क में एमपी एमएनए बन सकता? आपके दोस्त जमशेद दस्ती बन नहीं गए, वो गरीब आदमी, तो कोई जागीरदार आदमी हो। अच्छा ठीक, ओके। बाकी मैं आपको एग्जाम्पल दूसरा मसला, इतने गरीब आदमी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां जाकर 1.5 अरब रुपए का अनाउंस किया था कि मैं आपके लिए पैकेज अनाउंस करता हूं, तो उसने जेब में डाल दी। नहीं, जो भी वैसे पैकेज अनाउंस किया ना, अगर इलाके के लिए पैकेज अनाउंस किया है तो वो उसके जेब में तो नहीं गया, गरीब आदमी मतलब अमीर आदमी उसके लिए। प्राइम मिनिस्टर तो पूरे मुल्क का है और पूरे मुल्क का उन पर हक है। वो फिर 272 हल्के हैं 12 मुंतखब और हर हल्के के लिए वो फिर 1.5 अरब रुपए आपको लेजन पार्टनर है, आप मशवरा दे दें। नहीं, मैं तो आपके साथ रोज बैठे होते, मैं तो अपोजिशन में हूं और मैं जमात इस्लामी के साथ उनका ताल्लुक है टोटल, तो मैं तो अच्छा, ओके जमशेद जैसी गरीब आदमी मैं समझता हूँ। नहीं, मैं समझता हूँ कि 5-5 अरब रुपए दे दें हर इलाके की तरक्याती काम हो, मैं तो ये समझता हूँ कि 10 जितना जितने पैसे भी दे कम है इलाके की तरक्की का। वो सही है सर, जमशेद जैसी गरीब आदमी है, बाकी जो 341 लोग हैं